आज की डेट में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत शौक से एक पेयर बर्ड्स खरीदी थी, चाहे वो कॉर्निश ग्रुप का हो, बजीज में हो, पैरकिट्स में कुछ हो, या फिर कोई बड़ा सा पैरट जैसे मकाओ, ग्रे पैरट्स, कॉकाटोस, ये सब पैरट खरीदे हैं। उसके बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। वेल फ्रेंड्स, टुडे माय वीडियो इज अपन दैट। वेल बी विथ मी, आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज ऑल दिस फैक्ट्स टुडे। हे फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, दिस इज तनाया, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू आर गोइंग टू नो व्हेन योर बर्ड इज टोटली रेडी फॉर डूइंग ब्रीडिंग एंड ऑल दैट। वेल फ्रेंड्स, ये एक मेंटालिटी है। एक बर्ड जब अपना केज में पूरा तरीके से ये फील करता है कि वो प्योर सेफ है, उसका फूडिंग, उसका रहने का हर एक चीज़ का इंतज़ाम सही से हो रहा है, व्हेन द बर्ड इज थिंकिंग लाइक इट्स अ प्रॉपर प्लेस एंड अ प्रॉपर टाइम आई हैव टू रिजल्ट, तो वो बर्ड रिजल्ट जरूर करेगा। इसके लिए आपको एक्सटर्नली कुछ करना नहीं होता है। हाँ, बहुत ब्रीडर्स बर्ड्स को हेल्थ के लिए बहुत मेडिसिन देते हैं, एंड कुछ मेडिसिन दे के उसका ब्रीडिंग नेचर जाता कि बहुत ज़्यादा हो, वो अच्छा से ब्रीड करे, इसके लिए उसको मेडिसिन दिया जाता है। बट फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, व्हेन अ बर्ड इज इन अ नेचर, सो वो अच्छा से नेचर के अनुसार वो रिजल्ट भी करते हैं, उसका बच्चे भी आते हैं, ब्रीड होता है उसका सही से। तो फ्रेंड्स, हम लोग जब एक बर्ड्स को, सॉरी, ब्रीड नहीं कहना चाहिए, यानी वहाँ पे अच्छा से वो रिजल्ट करते अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से, उसमें कोई बाउंड्स और बाउंड्रीज नहीं होते, उसकी खुशी से, उसकी इच्छा से वो आगे बढ़ते हैं जैसे इंसान होते हैं वैसे ही। तो फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी आर कीपिंग अ बर्ड्स फॉर अ बिजनेस पर्पस, दिस नेचर अकॉर्डिंग अगर चले तो फ्रेंड्स, इसमें प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इंसान सोचते हैं कि हमको इस समय में अपना अगर बर्ड को जोड़ा रखा है, पेयर अप करा है, तो एक लिमिटेड टाइम उस पैरट के हिसाब से जिस समय पे वो उसको रिजल्ट करना चाहिए, उस समय तक में उसको रिजल्ट ना हो तो इंसान बहुत ज़्यादा यानी टेंस हो जाते हैं, सोचते ये पेयर अच्छा नहीं है, इस पेयर को चेंज कराना चाहिए, मेल फीमेल में कोई प्रॉब्लम है, तब मेडिसिन दिया जाता है उसको। वेल फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट इफ यू आर लाइकिंग बर्ड्स एंड इफ यू ट्रूली लव पैरट्स, इट्स नॉट योर बिजनेस बेस, उस समय में आप जो बर्ड्स बहुत प्यार से खरीद रहे हो ना, वो बर्ड्स को ऐसे तुरंत सेल मत कर दो। वो भी इंसान की तरह, हर एक जीव की तरह अपना इच्छा से आगे बढ़ते हैं, उसको भी वैसे एक जिंदगी देना चाहिए अगर आप सचमुच एक बर्ड से प्यार करते हैं तो। वेल फ्रेंड्स, अगर एक बर्ड सोचता है अभी मुझे रिजल्ट करना चाहिए, तो वो जरूर रिजल्ट करेगा। सही समय पे उसको अच्छा से फूड पे ध्यान दीजिए, खाने पे ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ कुछ मेडिसिन आप जरूर दे सकते हैं, कैल्शियम का, विटामिंस का, और फिर उसका लीवर का टॉनिक्स, या फिर अगर आपको जिस समय पे वो लोग का पेट में मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है उसका दीजिए। हाँ, डिवॉर्मिंग कराइए, ये सब चीज़ अच्छा है, वो बर्ड्स के लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। बट एक्सटर्नली उसको, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, इसके लिए उसको मेडिसिन लेके प्रोडक्शन बढ़ाना, वो कुछ सही चीज़ नहीं है फ्रेंड्स। जस्ट वेट फॉर द प्रॉपर टाइमिंग, योर बर्ड विल डेफिनेटली डू रिजल्ट। वेल फ्रेंड, बड़ा पंछी के बारे में अभी मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कॉर्नियर ब्रीड का जो भी पैरट्स है, उसका एक लिमिटेड टाइमिंग होता है। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट योर बेबी बर्ड इज गोना रिजल्ट विद इन 6 to 7 months. It's your misconception, friends. That time is totally just their childhood times. Okay, वो ये सब सोचते ही नहीं है। मेरा घर में इंसान कॉर्नियर रिजल्ट किया है लगभग 3 साल बाद भी है, कुछ पेयर 3 साल के बाद रिजल्ट किया है, ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स। उसको मेच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बहुत कम उम्र में भी वो लोग रिजल्ट कर देते हैं, जैसे कि 1.5 साल या 2 साल में। तो फ्रेंड्स, एक मिनिमल अगर स्टेज या पीरियड अगर सोचा जाए ना फ्रेंड्स, तो आपको 3 साल या 2.5 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये एक बेस लाइनिंग है। एंड उसके पहले अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बर्ड्स को पेयर अप कराने के साथ साथ आपका बर्ड रिजल्ट करेगा, ये गलत बात है। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो केज में आप रखिए उसमें सफिशियंट जगह नहीं उड़ने का, तब भी बर्ड ऐसा कर सकता है, वो रिजल्ट नहीं कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करिए, अच्छा से खाना दीजिए, पानी दीजिए, लीव्स दीजिए, अच्छा डाइट्स दीजिए, आपका बर्ड विल डेफिनेटली रिजल्ट। दैट वॉज द वीडियो फॉर टुडे फ्रेंड्स, एंड मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।